हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं पार्ट एट। पिछले सात वीडियो मैंने आपको दिए हैं और उनमें मैंने अप्रैल और मार्च दोनों का करंट अफेयर करवा दिया है और अभी अप्रैल का करंट अफेयर आपका चल रहा है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे अप्रैल का थर्ड वीक करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है आज का वह है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में मनाया गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आज का था, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिए इसको, कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है पूरे विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि हमें प्रत्येक को याद दिलाया जा सके कि पृथ्वी और इसका पारिस्थितिक तंत्र हमें जीवन और भरण पोषण प्रदान करते हैं। यह दिवस सबसे बड़ी लौकिक विश्व घटना, ग्रह के कल्याण और उसके द्वारा समर्थित सभी जीवों से संबंधित चुनौतियों के लिए दुनिया भर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, हम पृथ्वी को दूषित भी करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो पृथ्वी को हम माता के रूप में मानते हैं और उसके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता बताई जा सके कि हम इसमें इसके पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमें इसे किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके लिए है, 1 अप्रैल को जो है क्या कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको बताना है कि विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, तो 21 अप्रैल, ठीक है, फर्स्ट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 21, ठीक है ना। तो इसको वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है ना, ये विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस WCID सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में समस्या निवारण और विस्तार में रचनात्मक और नवाचार की भूमिका के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार ध्यान रखना, इस दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का हिस्सा है जिसका शीर्षक जो है ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होती है और बाकी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको PDF में मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता कि PDF कहाँ से मिलती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो आपको डेली प्रोवाइड हो जाता है इन द इवनिंग। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स आपके पास में है कि भारतीय नौसेना ने जो है गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत इम्फाल को जो है समुद्र में उतारा है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि भारतीय नौसेना ने जो मुंबई में मचगांव डॉक सिपल बर्ड में जो है गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत को जो है इम्फाल को समुद्र में उतारा है। तो इसका नाम याद रख लेना, इम्फाल, ठीक है। तो इम्फाल भारतीय नौसेना ने उतारा है, गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है ना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्फाल एक परियोजना के तहत शामिल किया जाने वाला तीसरा जहाज है। इसमें जहाज दो विभिन्न भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों से ले जाने और कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जहाज के ढांचे को आकार देकर और रडार पारदर्शी डेक फिटिंग के उपयोग के माध्यम से प्राप्त स्टिल्थ विशेषता से जहाज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नौसेना एक खरीदार से एक निर्माता बन गई है और आने वाले वर्षों में उत्कृष्टता की योजना बन रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल, ठीक है ना, ये समुद्र में उतार दिया है, तो ये नई नौसेना है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास में है, ये है आपके पास में कि कॉमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तो ये कॉमेडियन है जिन्होंने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, और राजनीतिक नवाजुकता कॉमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की जो है 41 ईयर के हैं, ने यूक्रेन के 29 जो वर्ष 2019 में राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। यूक्रेन टेलीविजन द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय एग्जिट पोल के परिणामों के अनुसार इन्होंने निर्णायक चुनाव में 73% वोटों से जीत हासिल की है, ठीक है ना, 73% वोट मिले हैं टोटल इनको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन थे, ये उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये कॉमेडियन थे और ये किस पद के लिए चुने गए हैं और कहाँ से चुने गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल गाइस आपके लिए है कि संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा डे 23 अप्रैल को जो है यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 23 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस दुनिया भर में लोगों के मनोरंजन के साथ साथ अंग्रेजी भाषा से जुड़ी संस्कृति, इतिहास और उपलब्धियों के बारे में सूचित करने के लिए 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड जानकारी आप आगे पढ़ सकते हैं। अगला जो सवाल है आपके लिए कि सऊदी अरब जो है वर्ष 2020 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो सऊदी अरबिया टू होस्ट द G20 लीडर्स समिट इन नवंबर 2020। तो ये ध्यान रख लेना कि 2020 में सऊदी अरब में होगा G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जो होगा। सऊदी अरब जो है अरब दुनिया में पहली G20 बैठक 21-22 नवंबर 2020 को अपनी राजधानी रियाद में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले जो है जापान इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ओसाका 28 और 29 जून 2019 को करेगा, और इससे संबंधित जानकारी आप आगे पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज दिवस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पूरे भारतवर्ष में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत EIU के कैंसर प्रिपेयरनेस सूचकांक 2019 में 28 देशों की बीच में 19वें स्थान पर रहा है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा शुरू किए गए कैंसर प्रिपेयरनेस सूचकांक ICP 2019 में भारत 28 देशों के बीच में 19वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर 64.9 रहा है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इसके बारे में भी, और आगे की जानकारी आपको FTA फाइल से मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके पास में है कि मलयालम फिल्म भयानकम ने जो है बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जो है जीता है। तो ये ध्यान रखना, मलयालम फिल्म जो है भयानकम इसका नाम है, और इंग्लिश फियर ने चीन में जो है आयोजित 2019, देखिए इस भयानकम का इंग्लिश जो है फियर है, ये ध्यान रखना, चीन में जो है आयोजित 2019 बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी निखिल एस प्रवीण और निर्देशन जयराज ने की है। ये आपको ध्यान रखना, फिल्म ने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी जीता है। तो इतना आपके बारे में, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपके पास में कि बजरंग पूनिया जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। बजरंग पूनिया विन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग शिप, ठीक है ना। तो बजरंग पूनिया विश्व के नंबर वन खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक मुकाबले में लगातार 10 अंक हासिल करके अपने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब पुनः हासिल किया है। उन्होंने कजाकिस्तान के जो है सयात बेग ओ का सोवा को पुरुष की 65 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में फाइनल में 12-7 से हराया है और इन्होंने ये पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप बजरंग पूनिया, और ये विश्व में नंबर वन खिलाड़ी हैं इस टाइम, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए आपके पास में कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, ठीक है ना। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो रोग वाहक बीमारी मलेरिया के बारे में लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व मलेरिया दिवस जो है दुनिया भर में 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का वैश्विक विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में हर वर्ष मलेरिया से लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में हर वर्ष इस बीमारी से लगभग 10 लाख लोग बीमार होते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना, 25 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इसका जो थीम था वो भी था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। बस इतना जानकारी अगर आपके पास है इसके बारे में तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास में कि बेनी एंटीना को राष्ट्रीय IP पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बेनी एंटीनी, ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर बेनी एंटीनी कोची स्थित अर्जुन नेचुरल लिमिटेड के सह संस्थापक के वर्ष 2019 के लिए पेटेंट और व्यापारीकरण के लिए शीर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय IP पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, बेनी एंटीना। इससे रिलेटेड जानकारी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं आगे। और अगला सवाल गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मालवी में जो है मलेरिया का दुनिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, मालवी, ठीक है, वाज फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन लॉन्च इन मालवी। तो ये ध्यान रखना, मालवी में मलेरिया का दुनिया का पहला टीका RTS जिसे मोक्सीविरिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मोक्सीविरिक्स मालवी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सम्मानित एक विशेष प्रारंभिक कार्यक्रम में अफ्रीका के 3 देशों में से एक है और अन्य 2 अफ्रीकी देशों घाना और केन्या हैं। तो ये ध्यान रख लेना है,
इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी मिल जाएगी जो अदर इन्फॉर्मेशन है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। मालवी में ये खोजा गया मलेरिया दुनिया का पहला टीका। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास में है कि पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सुहाग को जो है सेलेस में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, इसको याद रखना कि पूर्व सेना प्रमुख, देखिए ये पहले तो पूर्व सेना प्रमुख हैं और उनका नाम है दलबीर सुहाग को जो है सेलेस में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को द्वीपीय राष्ट्र सेलेस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सेलेस एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। ठीक है ना, जनरल जो सेनावृत हुए हैं सुहाग 31 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक सेना प्रमुख रहे थे। और ये आपको ध्यान रख लेना है इसके बारे में कि इनको अभी चुन लिया गया है, सेशेल्स में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इतनी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में है 25th of April को जो है अंजाक दिवस कोलकाता में मनाया गया। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी इस साइड में कि अंजाक डे बीइंग ऑब्जर्व इन कोलकाता 25th of April। 25 अप्रैल को हर वर्ष अंजाक दिवस मनाया जाता है। अंजाक दिवस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक राष्ट्रीय स्मरण दिवस है जो उन सभी ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड वासियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध संघर्षों में शांति अभियानों में सेवा की और मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रख लेना, इससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिलेटेड है ये, और 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार ये कोलकाता में मनाया गया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अंजाक दिवस। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आगे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास में है कि पाकिस्तानी अखबार डॉन के पत्रकार सीरिल अल्मीडा को जो है IPI का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने अपने 71वें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड के लिए सीरिल अल्मीडा जो पाकिस्तान अखबार डॉन के संपादक और समीक्षक हैं इनका नाम घोषित किया गया है। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में याद रख लेना, बाकी जानकारी आप आगे पढ़ पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है फ्रेंड्स, सलीम हेलेन और भंडारकर को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखना, मधुर भंडारकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और सलीम खान जो है पटकथा लेखक हैं और हेलेन जो है डांसिंग डिवा को प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रख लेना, इस वर्ष संगीत और कला के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शास्त्रीय नृत्यांगना सुचेता भिड़े चोपकर को दिया गया है। तो इस रिलेटेड आगे भी आपको जानकारी मिल जाएगी, जो अदर अवार्ड हैं वो भी आपको थोड़े बहुत एक बार जरूर देख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सभी आप याद कर पाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि भंडारकर इन तीनों को दिया गया है और जो अवार्ड का नाम है ये है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए आपके पास में कि UAE की जो है एतिहाद एयरवेज प्लास्टिक मुक्त उड़ान संचालित करने वाली पहली प्रमुख एयरलाइन बनी है UAE की। देखना, ये ध्यान रख लेना है आपको, UAE की एतिहाद एयरवेज प्लास्टिक मुक्त उड़ान संचालित करने वाली पहली प्रमुख एयरलाइन बनी है। UAE की जो है फ्लैग कैरियर एतिहाद एयरवेज खाड़ी क्षेत्र की पहली बड़ी एयरलाइन बनी है जिसने प्लास्टिक के उपयोग को बिना उड़ान भरी है। इस उद्देश्य पृथ्वी दिवस पर प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उड़ान का नाम है EY484 प्लास्टिक के उपयोग के बिना नाम की पहली उड़ान ऑस्ट्रेलिया की ब्रिसबेन में उतरी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इतिहाद एयरवेज है 2022 के अंत तक पूरे संगठन में प्लास्टिक के उपयोग का 80% तक कम करने के लिए प्रण किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक मुक्त इन्होंने ऐसा कुछ अभियान शुरू किया है तो इम्पोर्टेंट बनता है UAE की इतिहाद एयरवेज। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हेडलाइन में रहा था, चक्रवात फेनी जो है 30 अप्रैल को तमिलनाडु पहुंच गया और रेड अलर्ट इसके बारे में जारी किया गया था जब ये तमिलनाडु पहुंचा था। तो आपको ध्यान रखना है, चेन्नई में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में एक निम्न दाब प्रणाली चक्रवात तूफान में बदल जाएगा जिसे फेनी नाम दिया गया था। देखो, भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 30 अप्रैल को और 1 मई को 2019 को रेड अलर्ट जारी किया था। तो ये भी ध्यान रखना, मछुआरों को इन दिनों दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है जबकि स्थलीय लोगों को भूस्खलन की संभावना वाले इलाकों में रात की यात्रा से बचने की अपील की गई है। तो देखिए 30 अप्रैल और 1 मई को रेड अलर्ट जारी किया गया था, उस चक्रवात का नाम आपसे पूछा जा सकता है फेनी, और ये कहाँ पर आया था, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये है आपका, पंकज आडवाणी जो है एशियाई स्नूकर ट्रूट खिताब जीता है इन्होंने,
तो ये आपके पास में ध्यान रखना है कि पंकज आडवाणी विन्स इनगुरल एशियन स्नूकर टूर टाइटल, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना, किसने जीता है एशियन स्नूकर टूर खिताब, पंकज आडवाणी। भारत के शीर्ष स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी जो है ईरान के एहसास हैदरी नेजहाद को 6-4 से हरा करके पहले एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना, भारतीय खिलाड़ी ने इससे पहले सेमीफाइनल में म्यांमार के आंग फ्यो को हराया था। आडवाणी ने इससे पहले चीन में टूर का दूसरा चरण जीता था। तो अभी आपको ध्यान रखना, पंकज आडवाणी एक तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आप स्नूकर याद रखें। उसके अलावा इन्होंने अभी कौन सा अवार्ड जीता है, सॉरी कहाँ पे ये चैंपियनशिप जीती है, स्नूकर एशियाई स्नूकर टूर खिताब इन्होंने जीता है पंकज आडवाणी ने। तो ये थे फ्रेंड्स आपके अप्रैल 4th वीक के करंट अफेयर, और आज आपका अप्रैल का भी खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट आपका मई मंथ का मैं स्टार्ट करूंगा, और इन सभी का PDF फाइल आपका जो है 8 वीडियो अभी तक बन चुके हैं, टेलीग्राम में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो को आप सभी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए करंट अफेयर सेशन के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।